पंजाब के नए बलदियाती निज़ाम पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत अजलास हुआ। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि बलदियाती इंतखाबात पार्टी नहीं मकबूलियत की बुनियाद पर होंगे। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक से। इमरान मलिक, बताइएगा अजलास के हवाले। जी बिल्कुल जी, जमाती बुनियादों पर इलेक्शन होने जा रहे हैं और इस हवाले से सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान का कहना है कि जो हल्का बंदी है वो इलेक्शन से पहले करवाई जाएंगी और हर कौंसल में 3 मुंतखब और 3 महसूस नुमाइंदों पर मुश्तमिल होगी और अख्तियारात की वाजिया तकसीम और कहीं ओवरलैपिंग नजर नहीं आएगी। जबकि नए बलदियाती निज़ाम की हतमी मंजूरी वजीर अजम इमरान खान देंगे। अला सदर इजलास में सेक्टर बलदियात की सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान को ये भी ब्रीफिंग दी गई है कि मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब डायरेक्ट और जमाती बुनियादों पर होगा। आबादी पर मुंतखब कौंसल को भी लाखों रुपए के फंड्स दिए जाएंगे। बलदियाती निज़ाम शहरी और देही तकसीम पर मुश्तमिल होगा। देहात में विलेज कौंसल और शहरों में नेबरहुड कौंसल बनाने जा रहे हैं और उनका यह भी कहना था कि पहली मरतबा पंजाब हुकूमत के तरक्याती फंड बलदियाती नुमाइंदों को देंगे। अब्दुल रहमान का यह कहना था कि इमरान खान के विजन के मुताबिक अख्तियार निचली सतह पर मुंतकिल किए जा रहे हैं। अख्तियार